हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं रेडहैट नेक्स 7 में होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं। रेडहैट नेक्स 7 में होस्ट नेम को मैनेज करने के लिए तीन टूल अवेलेबल हैं। फर्स्ट है होस्ट नेम सीरियल कमांड, कंट्रोल द सिस्टम होस्ट नेम। सेकेंड है NMTUI कमांड, कंट्रोल द सिस्टम होस्ट नेम यूजिंग टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, यानी कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस से होस्ट नेम को कंट्रोल करता है, सिस्टम के होस्ट नेम को कंट्रोल करता है। थर्ड है NMCLI कमांड, कंट्रोल द सिस्टम होस्ट नेम यूजिंग CLI पार्ट ऑफ नेटवर्क मैनेजर। और उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि होस्ट नेम की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो होती है /etc के अंदर /hostname। hostname उस फाइल का नेम होता है जिसके अंदर जो भी आप hostname सेट करते हैं वो hostname इस फाइल के अंदर स्टोर होता है /etc/hostname के अंदर। और आप इस फाइल को भी एडिट करके भी आप hostname चेंज कर सकते हैं। इस फाइल को एडिट करें और उसके बाद जो भी आपको hostname सेट करना है वो उसके अंदर टाइप करें और उसके बाद आपको hostname सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि होस्टनेम के टाइप्स कितने होते हैं रेडहैट लिनक्स 7 में। तो रेडहैट लिनक्स 7 में तीन तरह के होस्टनेम यूज होते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक होस्टनेम जो कि सिस्टम एडमिन के द्वारा असाइन होता है, फॉर एग्जांपल SRV1, SRV2, SRV.mysolutions.com। सेकेंड है डायनेमिक होस्ट नेम जो DHCP और या फिर MDNS के थ्रू असाइन किया जाता है एट रन टाइम, जब मशीन शुरू हो रहा हो। और तीसरा है प्रिटी होस्ट नेम जो कि सिस्टम एडमिन या एंड यूजर के द्वारा सिस्टम को असाइन किया जाता है, फॉर एग्जांपल RajPC, माई लैपटॉप, इस तरह के होस्ट नेम प्रिटी होस्ट नेम कहलाते हैं जो एंड यूजर के द्वारा या सिस्टम एडमिन के द्वारा असाइन किए जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं होस्टनेम CTL कमांड की सहायता से होस्टनेम कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको चेक करना है कि किसी मशीन का करंट होस्टनेम क्या है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है होस्टनेम CTL, या फिर आपको यूज करना है कमांड होस्टनेम CTL space status। उसके बाद बात करते हैं होस्टनेम CTL कमांड की सहायता से होस्टनेम कैसे सेट करते हैं। तो नॉर्मल होस्टनेम सेट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा होस्टनेम CTL space set-hostname space। जो भी आपको होस्टनेम सेट करना है वो आपको टाइप करना है। ध्यान रहे होस्ट नेम के बीच में वाइट स्पेस यूज नहीं होना चाहिए। प्रिटी होस्ट नेम सेट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा होस्ट नेम CTL स्पेस set-hostname स्पेस (double inverted comma) के अंदर जो भी आपको होस्ट नेम सेट करना है वो आपको टाइप करना है। यहाँ पर आप वाइट स्पेस यूज कर सकते हैं और उसके बाद double hyphen प्रिटी ऑप्शन आपको यूज करना है। थर्ड है स्टैटिक होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा होस्ट नेम स्पेस set-hostname स्पेस जो भी आपको होस्ट नेम सेट करना है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद double hyphen स्टैटिक ऑप्शन आपको लिखना है। उसके बाद ट्रांजिएंट होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं, मतलब डायनेमिक होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा होस्ट नेम CTL स्पेस set-hostname स्पेस जो भी आपको होस्ट नेम टाइप करना है वो आप जो भी आपको होस्ट नेम सेट करना है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद double hyphen ट्रांजिएंट ऑप्शन आपको यूज करना है। तो चलिए हम इनको वन बाय वन यूज करके देख लेते हैं।
सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए। सबसे पहले चेक करते हैं कि करंट होस्ट नेम क्या है, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है होस्ट नेम सीटीएल। तो करंट होस्ट नेम है sr1.mysolutions.com और ये जो होस्ट नेम है वो स्टैटिक होस्ट नेम है। तो हम होस्ट नेम सेट करके देखते हैं, होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम स्पेस sr1.mylab.com। फिर से चेक कीजिए कि होस्ट नेम चेंज हुआ या नहीं, होस्ट नेम सीटीएल। तो देख लीजिए यहाँ पर होस्ट नेम चेंज हो चुका है sr1.mylab.com। अब मैं यहाँ पर स्टैटिक होस्ट नेम कैसे यूज करते हैं वो देखता हूँ, वो उसका कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो उसका कमांड है होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम स्पेस sr2.mysolutions.com/static। अब फिर से कमांड एग्जिट कीजिए और चेक कीजिए कि ये होस्ट नेम सेट हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पर दो होस्ट नेम शो हो रहे हैं। स्टैटिक होस्ट नेम में जो भी हमने सेट किया था वो डिस्प्ले हो रहा है sr2.mysolutions.com, और जो पुराना वाला होस्ट नेम था वो ट्रांजिट होस्ट नेम के में कन्वर्ट हो गया है, वो ट्रांजिट होस्ट नेम में डिस्प्ले हो रहा है। तो उसमें हमने कोई ऑप्शन यूज नहीं किया था, इसलिए उसने वो होस्ट नेम ट्रांजिट होस्ट नेम के रूप में यूज कर रहा है। अब मैं प्रीटी होस्ट नेम सेट करता हूँ, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा होस्ट नेम सीटीएल सेट हाइपन होस्ट नेम और उसके बाद डबल इंटर कोमा के अंदर माई लेने वो लैपटॉप। ये मैं होस्ट नेम सेट करता हूँ प्रिटी होस्ट नेम के रूप में और उसके बाद डबल हाइपन प्रिटी। अब चेक कीजिए होस्ट नेम सीटीएल कमांड की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर प्रिटी होस्ट नेम भी सेट हो चुका है माई लिनोवो लैपटॉप। तो इस तरह आप तीनों होस्ट नेम सेट कर सकते हैं। अब मैं ट्रांजिट होस्ट नेम सेट करके देखता हूँ, होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम sr1.mysolutions.com/transient। फिर से चेक कीजिए, फिर से ये कमांड एग्जीक्यूट कीजिए होस्ट नेम सीटीएल तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिएंट होस्ट नेम में sr1.mysolutions.com होस्ट नेम सेट हो चुका है। तो होस्ट नेम सीटीएल कमांड की सहायता से आप इस प्रकार स्टैटिक होस्ट नेम, प्रिटी होस्ट नेम और ट्रांजिएंट होस्ट नेम तीनों सेट कर सकते हैं। अब यदि अगर आपको कोई होस्ट नेम रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे मुझे ट्रांजिट होस्ट नेम रिमूव करना है तो उसके लिए मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना होगा होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम स्पेस डबल इनवर्ट कोमा
आपको यूज करना है और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। और उसके बाद डबल हाइफन ट्रांजिएंट, अब होस्ट नेम सीटीएल कमांड एग्जिट कीजिए चेक करने के लिए कि ये होस्ट नेम रिमूव हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिएंट होस्ट नेम रिमूव हो चुका है। उसी तरह अगर आपको प्रिटी होस्ट नेम रिमूव करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम स्पेस डबल यूनिट कोमा, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, और उसके बाद डबल हाइफन प्रिटी। देखिए यहाँ पर प्रिटी होस्ट नेम भी यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार आप प्रीटी होस्ट नेम, स्टैटिक होस्ट नेम या ट्रांजिट होस्ट नेम को रिमूव भी कर सकते हैं। होस्ट नेम अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है होस्ट नेम सीटीएल, और स्टैटिक होस्ट नेम सेट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम। उसके बाद जो भी होस्ट नेम आप सेट करना चाहते हैं वो आपको टाइप करना है, और उसके बाद डबल हाइपन स्पेस देकर डबल हाइपन स्टैटिक ऑप्शन आपको यूज करना है। अगर आपको प्रिटी होस्ट नेम सेट करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम स्पेस डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर जो भी आपको होस्ट नेम सेट करना है सिस्टम के लिए वो होस्ट नेम आपको डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर टाइप करना है। उसके अंदर आप वाइट स्पेस यूज कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने यूज किया था, और उसके बाद स्पेस दे करके डबल हाइपन प्रिटी ऑप्शन आपको यूज करना है। अगर आपको ट्रांजिएंट होस्ट नेम सेट करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम स्पेस, जो भी आप होस्ट नेम सेट करना चाहते हैं वो आपको टाइप करना है, और उसके बाद डबल हाइपन ट्रांजिएंट ऑप्शन आपको यूज करना है। तो ये सभी हमने यूज करके देख लिए, रिमूव करके भी हमने देख लिया है। उसके बाद हाउ टू चेंज होस्ट नेम रिमोटली, रिमोटली किसी मशीन का होस्ट नेम चेंज कैसे करते हैं, तो उसके लिए दो कमांड है। फर्स्ट है SSH स्पेस रूट, और उसके बाद @, और उसके बाद उस रिमोट मशीन का आपको आईपी एड्रेस लिखना है, और उसके बाद स्पेस होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम, उसके बाद स्पेस जो भी होस्ट नेम आपको सेट करना है वो होस्ट नेम वहां पर आपको टाइप करना है। और यहाँ पे जो रूट यूजर है वो उस रिमोट मशीन का है। सेकंड कमांड है फॉर एग्जांपल आपको एक रिमोट सर्वर जिसका आईपी एड्रेस है 172.19.72.25 जिसका आपको होस्ट नेम सेट करना है SRP2, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा होस्ट नेम सीटीएल स्पेस सेट हाइपन होस्ट नेम स्पेस, जो भी आप होस्ट नेम सेट करना चाहते हैं, जैसे हम सेट करना चाहते हैं SRV2 स्पेस हाइपन H ऑप्शन, और उसके बाद रूट यूजर, और उसके बाद @, और उसके बाद उस मशीन उस रिमोट मशीन का आईपी एड्रेस जैसे यहाँ पर है 172.19.72.25, ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा। तो अभी हमारे पास कोई भी रिमोट मशीन नहीं है इसलिए ये कमांड हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ये आप चेक कर रिमोट एक रिमोट मशीन लें और उसमें SSH इनेबल करें, और उसके बाद इसको इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देख लें। नेक्स्ट है NMTUI कमांड की सहायता से होस्ट नेम चेंज कैसे करते हैं।
TUI कमांड। फिर यहां पर आपके वो एक विजार्ड ओपन होगा, उसके बाद आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना, सेट सिस्टम होस्ट नेम, और उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है, और जो भी होस्ट नेम आपको सेट करना है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। मैं जैसे सेट करता हूँ 3। ओके ओके। उसके बाद आपको होस्ट नेम की सर्विस को रिस्टार्ट करना है, सिस्टम CTL स्पेस रिस्टार्ट स्पेस सिस्टम एम सिस्टम डी हाइफन होस्ट नेम। ये होस्ट नेम सर्विस है, होस्ट नेम की सर्विस है, हाइफन होस्ट नेम। उसके बाद चेक कीजिए होस्ट नेम CTL। तो देखिए है NMTUI कमांड की सहायता से भी आप होस्ट नेम सेट कर सकते हैं। बस इसमें फर्क यही है कि आपको होस्ट नेम की सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये होस्ट नेम सेट नहीं होगा। थर्ड मेथड है NMCLI कमांड की सहायता से होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं। टू व्यू द होस्ट नेम यूजिंग NMCLI कमांड, अगर आपको करंट होस्ट नेम चेक करना है NMCLI कमांड की सहायता से कि करंट होस्ट नेम क्या है, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा NMCLI स्पेस जनरल स्पेस होस्ट नेम। तो एग्जीक्यूट करके देखिए, NMCLI स्पेस जनरल स्पेस होस्ट नेम, तो ये आपको करंट होस्ट नेम डिस्प्ले करेगा। अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा NMCLI स्पेस जनरल स्पेस होस्ट नेम स्पेस, जो भी आपको होस्ट नेम सेट करना है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है srv4.mysolutions.com। तो देखिए यहाँ पर होस्ट नेम सेट हो चुका है। अगर किसी कंडीशन में ये होस्ट नेम अगर सेट नहीं होता है तो आपको होस्ट नेम की सर्विस को रिस्टार्ट कर देना है, होस्ट नेम CTL स्पेस रिस्टार्ट स्पेस सिस्टम डी हाइफन होस्ट नेम डी। तो पहले सबसे पहले हम होस्ट नेम CTL कमांड की सहायता से चेक कर लेते हैं कि उसमें कौन क्या शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर srv3.mysolutions.com ही शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको होस्ट नेम की सर्विस को रिस्टार्ट कर देना है। उसके लिए आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करना है सिस्टम CTL स्पेस रिस्टार्ट स्पेस सिस्टम डी हाइपन होस्ट नेम। अब चेक करके देखिए, तो देखिए यहाँ पर भी होस्ट नेम NMCLI कमांड के सहायता से जो हमने होस्ट नेम सेट किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस वीडियो हमने सीखा कि Redhat Linux 7 में होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं। तो इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी देख लीजिए, /etc/hostname। तो जो हमने होस्ट नेम सेट किया था वो इस फाइल के अंदर स्टोर होता है। जो भी हम होस्ट नेम सेट करेंगे
वो होस्ट नेम इस फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो आप इस फाइल को एडिट करके भी होस्ट नेम को सेट कर सकते हैं। VM कमांड के थ्रू हम इसको एडिट कर रहे हैं, इसलिए आपको इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। सबसे पहले इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस करना है, और उसके बाद जो भी आपको जो भी होस्ट नेम आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करें, और उसके बाद इस फाइल को सेव कर लें। सेव करने के लिए एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क आपको यूज करना है। और उसके बाद आपको होस्ट नेम की सर्विस को रिस्टार्ट कर देना है। सिस्टम CTL स्पेस रिस्टार्ट स्पेस सिस्टम -hostname। तो देखिए आप इस फाइल को एडिट करके भी होस्ट नेम सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने सीखा कि रेडहैट लिनक्स 7 में होस्ट नेम सेट कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।